दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? लगता है चेहरा पसंद नहीं आ रहा। कैसे हैं? आर यू एक्साइटेड? सब लोग नहीं लग रहे एक्साइटेड, कुछ लोग लग रहे हैं। क्या गोवा आने के बाद भी एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए? क्यों? जब मैं 2016 में आया था तो मैं गोल्ड था। क्या था? लेकिन मैंने देखा कि सुन रहा था गोवा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मेरा भी मन था कि गोवा आऊं। ठीक है, गोवा आया। उस टाइम ना जूट फर्नांडिस सर का ट्रेनिंग था, बहुत सारे डायमंड का ट्रेनिंग था। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सबसे पहले मेरे जितने भी मेंटर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे साथियों को, क्योंकि आज अगर सीनियर सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मानते हो ना? Yes! मानते हो कि नहीं? Yes! तो सब सब पैसा देता है लेकिन एजुकेशन कौन देता है? WSS। और जो एजुकेशन के कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। समझ में आ रहा है? Yes! क्यों? क्योंकि लर्निंग एक ऐसा चीज है कि सीखना एक ऐसा चीज है कि हम मर भी जाएंगे ना कभी खत्म नहीं होता। चाहे वो छोटे से हो चाहे बड़े से हो, आपको लाइफ में सीखना ही चाहिए। सीखना है कि नहीं? yes! सीखना है ना? yes! देखो मैं तो आज भी सीखता हूँ क्योंकि मुझे और आगे जाना है। देखो उससे पहले मैं मेरा थोड़ा सा परिचय करा देना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, नाम है अखिल पुजारी, जानते हैं ना? yes! जो नए लोग हैं नहीं जानते होंगे। उससे पहले मैं टेलीकॉम में जॉब कर रहा था। एक मिडिल क्लास आदमी का क्या सोच रहता है? जॉब। सबके घर में बोलते हैं बेटा गेट गुड एजुकेशन गेट गुड जॉब। और मुझे भी यही शिक्षा मिला था कि अच्छा पढ़ाई कर, जॉब कर, तेरा लाइफ बदल जाएगा। तो मैंने पढ़ाई किया, इंटरव्यू फेस किया, जॉब किया। 4 साल जॉब करने के बाद मैं देखा कि जो मेरे घर में मामा जी है, चाचा जी है, जो जॉब कर रहे हैं, आज तक क्या किया है? पढ़ाई किए, फिर एक घर बनाए और हम लोग को शादी करवा दिए, बस इतना तो है। लेकिन उसके बाद क्या बड़ा बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है? तो मैं सोचा मेरा भी तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। मेरा भी तो ऐसा होगा, या मेरे बेटे को एक पढ़ाई कराऊंगा, उसको शादी करा दूंगा और एक घर बना दूंगा, बस उसके बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो दोस्तों ये बिजनेस ना मेरे दोस्त के थ्रू मिला, मिस्टर राम प्रसाद सिंह सर, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए क्योंकि हम दोनों ना लॉन्ग के यार थे और उन्होंने ना मुझे ये बिजनेस दिया था। लेकिन मैंने उनके बात को ना सीरियसली कभी नहीं लिया क्योंकि दोस्त का बात को हम ऐसे ही अड़ा देते हैं, राइट? यस सर। तो मैंने प्लान तो देखा लेकिन डीडी नहीं दे रहा था। ठीक है, मतलब मुझे 45 टाइम फॉलो अप हुआ। इतना नेगेटिव था मैं, क्यों? मैं जॉब को मतलब इंपोर्टेंस दे रहा था क्योंकि जॉब भी सब कुछ है, इसीलिए मैं ये बिजनेस को मुझे बिलीव ही नहीं था। 45 फॉलो अप हुआ है आप लोग को? No. लेकिन मुझे हुआ है, तो सोचो मुझसे बड़ा नेगेटिव है क्या? तो कुछ लोग 4-5 बार फॉलो अप करना चाहते हैं और बोलते हैं कि नहीं सर वो तो डीडी नहीं देगा। लेकिन दोस्त मैं एक ऐसा आदमी हूं 45 फॉलो अप के बाद मैं डीडी दिया। और जब से मैं डीडी दिया उस टाइम एक ऑफर चल रहा था बैंक का ऑफर, और डीडी देने के बाद मेरे माइंड में एक ही सोच था कि मैं जो मेरे खानदान में कभी विदेश यात्रा नहीं किया है मैं जाके दिखाऊंगा। और 11 दिन के ऑफर मैंने बैंकॉक अचीवमेंट किया। उसके साथ साथ 2 दिन के अंदर मेरे चाचा जी मिस्टर पंकज पुजारी जो रूबी लीडर है उनको भी मैंने अचीवमेंट किया कराया और दोनों साथ में बैंकॉक घूम के आए। फिर वहां से देखा कि लाइफ स्टाइल क्या है। समझ में आ रहा है? यस सर। और वहां से एक ही मतलब
माइंड में माइंड सेट किया कि अगर लाइट बनाना है तो ऐसे बनाना है। समझ में आ रहा है? और उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मैं लाइट बनाऊंगा और यही वो प्लेटफॉर्म है जहां मुझे देवदूत बन के मेरे दोस्त ने दिया है। आपको जिन्होंने भी बिजनेस दिया समझो कि वो आपका देवदूत है, भले वो बिजनेस में रहे ना रहे कोई मतलब नहीं। आपका स्ट्रांग वाई फैक्टर क्लियर होना चाहिए, मैं क्यों आया हूं और मैं कहां तक जाना चाहता हूं, मेरा वाई रीजन एंड विजन क्या है। समझ में आ रहा है? इसके लिए पांच चीज देखो, मैं कुछ पांच चीज बताऊंगा, आप सुने हैं कि नहीं सुने पता नहीं क्योंकि समय कम मिला है, ठीक है, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं। पांच चीज देखो, कुछ लोग आते हैं ट्राई मारने के लिए आते हैं, क्या मारने के लिए ट्राई, चलो 10,000 तो दिए या 13,000, अभी के डेट में 13,500, चलो दिए तो है, ट्राई तो करते हैं, और 13,500 मतलब 6 डायरेक्ट सेल में 11,800 आ जाता है और 9 डायरेक्ट में 17,000 आता है, राइट। तो जब हम हमारा पैसा तो निकाल लेते हैं ऐसा सोच रहता है पहले और ट्राई मारते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes! जब पैसा आ जाता है फिर बाद में देखते हैं, ऐसा तो नहीं है आप लोग? ट्राई मारना है क्या? देखो मैं तो ट्राई मारने नहीं आया था, मैं इसलिए आया था कि मुझे जो तकलीफ आज मैं जी रहा हूं वो तकलीफ मेरे पीढ़ी जीना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? जो तकलीफ जो प्रॉब्लम मैं फेस किया, जो गरीबी में देखा हूं, जो पैसे के लिए मैं तड़पा हूं, जो चीज मैं चाह रहा था उसको नहीं पा पा रहा था, वो चीज मेरे बेटे के साथ नहीं होना चाहिए। yes. क्या आप लोग चाहते हैं? नो सर। चाहते हैं क्या? नो सर। या उसका लाइफ बेहतर बनाना है? देखो हम लोग पहले साइकिल में कॉलेज गए लेकिन आज मेरे बेटे कार में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम मोबाइल क्या चीज है पता नहीं था लेकिन आज जैसे ही जन्म होते हैं मोबाइल को खेलता है, राइट कि नहीं? हम फाइव स्टार लाइफ क्या होता है पता नहीं था लेकिन आज उनको फाइव स्टार का लाइफ मिलता है, मिलता है कि नहीं? तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ? ड्यू टू सेफशॉप एंड इतना बड़ा महान सिस्टम WSS विनर सपोर्ट सिस्टम। तो ट्राई मारना नहीं है, ये ट्राई मारने का बिजनेस नहीं है। और कुछ लोग क्या है डाउट में रह जाते हैं, पाल टोपाज बनने के बाद भी लगता है कि मैं सच में डायमंड बनूंगा कि नहीं, सच में बन सकता हूं कि नहीं। अपने आप को डाउट मत करो, डाउट एक ऐसा कैंसर है जो एक बार लग जाएगा ना वो कभी छोड़ता नहीं। डाउट खुद के ऊपर स्पीड ब्रेकर है, डाउट रखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो मैं कभी डाउट नहीं किया क्योंकि मैं सिल्वर लेवल से जॉब छोड़ दिया हूं, आपको पता है जॉब छोड़ के मैंने आज ही फुल टाइमर यहां पे आया और चैलेंज लेके आया कि यहां जब तक मैंने 6 फिगर इनकम नहीं कमाता हूं तब तक मुझे शांति नहीं लगेगा। डाउट नहीं रखना है दोस्त। और एक होता है नो चेंज, क्या हम चेंज होने के लिए आते हैं कि नहीं? कितना सारा चीज चेंज करता है देखो बिजनेस, ना एक दिन बोलने का कुछ कला नहीं था ना पहनने का कुछ तरीका था। समझ में आ रहा है? यस सर। इतना बड़ा पर्सनालिटी ये बिजनेस दिया है, बोलने का ताकत दिया है, लीडरशिप क्या है सिखाया है, क्योंकि हम 1,000 लोग के सामने क्या 1,00,000 लोग के सामने भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इतना सारा चीज सिखाता है, हमको जल्दी चेंज होना है, राइट? यस सर। क्या क्या बोल रहा हूं, ट्राई डाउट नो चेंज, या चेंज रहना है कि नहीं? yes. या पुराना वही स्कूटर वाला जिंदगी चाहिए? नहीं। ऐसे करो फिर स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन लोग बुलेट में आना नहीं चाहते, बोलते हैं कि मेरा बजाज चेतक 1 नंबर है। क्यों? जेब में है पैसा तो लोग पूछते हैं कैसा, जेब में नहीं है पैसा तो लोग पूछते हैं जैसा कि वैसा। हम चाहते हैं लेकिन वही पुराना जिंदगी में जीना चाहते,
नया जिंदगी चाहिए कि नहीं? yes. तो बुलेट में रॉयल एनफील्ड में आना पड़ेगा। yes. समझ में आ रहा है? और एक होता है कंडीशनल सक्सेस, कंडीशन के ऊपर मैं ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, खुद डिसीजन नहीं लेता है, कंडीशन में रह जाता है। देखो मैं अगर डिसीजन नहीं लेता, कंडीशन में रहता कि जॉब करूं या सब सब करूं, जॉब करूं या सब सब करूं, तो दो नाव में पैर रखना जैसा होता। तो कभी मेरा डेस्टिनी पहुंचता, डेस्टिनेशन पहुंचता क्या? नो सर। इसी तरह दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, जो भी हो जाए, देखो एक बुरा वक्त आता है ना, बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है। क्या है? बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहां से सफलता का हथियार मिलता है। ये सबके साथ आएगा बुरा वक्त, जैसे कोरोना आया, हम लोग को भी तो आया, बाकी सारे ट्रेडिशनल वाले को भी आया, आया कि नहीं? yes, sir. सारे बिजनेस वालों को आया, लेकिन जो करोड़ रुपया लगा के मार्केट में बिजनेस किया है, वो उसका माइंड में क्या सोच होगा? लेकिन हम ये 10-12-13 हजार लगा के क्या सोचते हैं? मेरा बिजनेस तो डूब गया। डूबेगा नहीं दोस्त, आप जहां से खड़े होंगे ना वहां से लाइन शुरू होगा। तो कंडीशनल नहीं बोलना है, जो भी यहां से सेट करो ये गोवा से। समझ में आ रहा है? yes, कंपनी का जितना भी ऑफर आ रहा है, बूट कैंप आ रहा है, सबको अचीव करने के लिए टारगेट बना दो, राइट? yes. आप जितने भी आए हैं अभी अचीवर्स आए हैं, आप लोग सिलेक्टेड पर्सन हो, राइट? ऐसे ही चैलेंज करना है। अभी जैसे 90 PR का ऑफर आया है, उसको जाके भीड़ के काम करना है। समझ में आ रहा है? yes, क्योंकि अगर जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं तो एक बार स्विट्जरलैंड घूम के आओ, राइट? ट्राई डाउट नो चेंज कंडीशनल सक्सेस। और एक होता है अपॉर्चुनिटी। वहां कहीं में थैंक्स गॉड कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, वो है सेल्फ स्टॉप। ये 5 चीज में किसको पकड़ना चाहिए? अपॉर्चुनिटी। और वहां कहीं में आप सब लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़े हैं। तो खुद के अंदर बिलीव रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि देखो हम ये सोचते हैं कि हमेशा हमको सुख ही आए, तो सुख हमेशा नहीं आ सकता। इसीलिए भगवान ने 2 चीज बनाया, एक दुख एक सुख। अगर दुख नहीं देता तो क्या हम भगवान को पूजा करते? खाली सुख रहता तो भगवान को कोई पूछता क्या? इसीलिए दुख भी दिया है कि दुख में तो एटलीस्ट मुझे लोग पुकारेंगे बोल के। समझ में आ रहा है? तो जब दुख को झेलोगे तो 100% एक दिन सुख आने वाला है। और मेरे ख्याल से दुख का दिन चला गया, अभी सुख ही सुख ये गोवा से स्टार्ट हो गया है। यहां से चैलेंज बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, टारगेट बनाओ, और जाके ना रात दिन भीड़ के काम करो। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? देखो लोग बोलते हैं कि ये भाग्य भाग्य इसका भाग्य में था, वो डायमंड बन गया। मैं तो नहीं मानता हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे स्टोरी बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसमें कितना प्रॉब्लम, कितना स्ट्रगल, कितना पैसा नहीं था, एक एक समोसा खा के हमने फील्ड वर्क किए हैं, ठीक है? मेरे मैडम को ऐसे 22-23 बार, एक बार लूज मौसम हो गया था, लेकिन मैंने एक अचीवमेंट करा के आया। उसका 200 बार फोन आ चुका था, लेकिन मैं नहीं आया, क्योंकि मुझे विश्वास था जाकर रखे संयम मार सके ना। समझ में आ रहा है? मैं होता फिर भी अगर वो जाता तो कोई रोक नहीं पाता, मैं नहीं होता अगर उसको जिंदा रहना है तो कोई मार नहीं पाएगा। रात को 11 बजे आके मैंने हॉस्पिटल लेके गया हूं, वो भी फील्ड का काम खत्म करके। क्या मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था? 200 बार मुझे फोन आ चुका था, बोलिए कौन सा इमरजेंसी था पहले, मैडम या फील्ड वर्क? फील्ड वर्क मैडम। ज्यादा लोग सोचेंगे मैडम, लेकिन मेरे लिए फील्ड वर्क इमरजेंसी। तो कुछ सैक्रिफाइस चाहिए लाइफ में, अगर डायमंड बनना है तो सैक्रिफाइस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक
बड़ा विजन चाहिए, एक ड्रीम चाहिए, और सबसे बड़ा चीज ये मेहनत चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। मेहनत करेंगे ना? यस। आज जितने भी डायमंड्स इधर बैठे हैं सब मेहनत करके आए, कर्म के, ठीक है? इसलिए भाग्य को मैं नहीं मानता, कर्म अपना लिखो। भगवान जन्म देता है, माँ बाप जन्म देता है, लेकिन कर्म नहीं देता, कर्म खुद को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कर्म वीर बनो। थैंक यू दोस्त, आप लोग ने सुने, और इसी के साथ मैं अखिल पुजारी मेरे वाणी को पूर्ण चेत देता हूँ।